मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे गर्व हो रहा है आज कि ये हमारा घनश्याम गुप्ता जी है। इतना प्यारा आर्टिस्ट है, इतना बढ़िया आर्टिस्ट है, यू कैनॉट इमेजिन आई टेल यू। मैं कहना चाहता हूँ कि गए कितने वर्षों में देख रहा हूँ इनको, कम से कम 12 से 15 इनके एग्जीबिशन में, ऑल ओवर इनके एग्जीबिशन मैंने ओपन किए, इनॉर्ड किए, बट देन वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट आई टेल यू। इतना हम्बल, इतना गुड़ी आई टेल यू आर्टिस्ट दिखना बहुत मुश्किल रहता है। मैं चाहता हूँ कि बम्बई के जो लोग जो है उनको चाहते हैं, बम्बई के सिर्फ लोगों नहीं, देश भर के लोग, इवन अमेरिका लंदन में भी देखा है उनका कला, उनकी देखी है, इनके एग्जीबिशन देखे। आई प्रे गॉड आई टेल यू ही विल हैव अ वंडरफुल सक्सेस, बिग सक्सेस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। एंड आई रियली अप्रिशिएट द इनिशिएटिव हैज टेकन बाय मिस्टर घनश्याम गुप्ता, एंड दिस इज लाइक आई एज एन आर्टिस्ट एंड एज एन क्यूरेटर, आई रियली फाइंड दैट द आर्टिस्ट एंड द ऑल प्लेटफॉर्म शुड बी impartial to all artists. It's not, I don't believe in such a kind of specific category and all kind of elite and non-elite class of representation. Art is for all. Art is for all common people. So I think everybody have right to produce and represent their creativities, their skills equally with the same platform. So thanks to Ghanshyam ji again. And I am really happy to participate this show as well. I expect I can also plan lots of programs with Ghanshyam ji, with our place, Chennai. So, and thanks to all again. Thank you. यहाँ पे 34 artists participate किए और सभी का support बहुत अच्छा रहा है। यहाँ मोहन जी हैं, अमित अतुल प्रोजेक्ट्स द्वारा सपोर्ट किया गया हमारे पूरे शो को, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और यहाँ आए हुए सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और सभी ने बढ़ चढ़ के यहाँ हिस्सा लिया और सभी के चित्रों में एक अद्भुत अद्भुत शक्ति देखने को मिला है हमें, और सभी को मैं बहुत बहुत आभारी करता हूँ। ये शो शुक्रवार से रविवार तक रहेगा, 3 दिन का शो है। डेट 14 फरवरी टू 16 फरवरी, फ्रॉम 11 AM टू 7 PM। सो सभी को हम इनवाइट करते हैं कि आए और कला का आनंद ले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। आप पूछिए, आप इस शो को सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह का क्या सबका? मैं मोहन, अतुल प्रोजेक्ट से है। घनश्याम जी ये प्रोग्राम के बारे में बताया तो बहुत अच्छा काम किया है, जो भी कलाकार पार्टिसिपेट किया है उसकी कैपेसिटी तो बहुत अच्छा है। हमारा फील्ड ही अलग है, मगर ये कैनवास के ऊपर जो कविता बनाते हैं वो तो बहुत अच्छा किया है। सबको धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार, मैं पथिक शाह फ्रॉम जोन डिजाइंस। आज के दिनों में जब भी बहुत सारी स्क्रीन से हम लोग गिरे हुए हैं, मैं सिर्फ खाली इतना कहना चाहता हूँ, इधर आके समो आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ माई आईज, we got some very beautiful things to, we got a chance to see some very beautiful things. So thank you Ghanshyam ji for inviting me, it's a beautiful event, thank you very much. Ghanshyam ji ne ye mauka diya, main bahut thankful hu unka, because mera laksh hai jo mere dil ke bahut kareeb hai ye topic mental health, main dheere dheere karke isi field mein koshish kar rahi hu apne aap ko dhalne ki ke awareness badhaun, because जैसे शरीर बीमार होता है, मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम टू टाइम हमें इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, मगर हम लोग उसके बारे में बात करने की थोड़ा लज्जा महसूस करते हैं इस बारे में बात करने की। और हमारे घर में अगर किसी को भी तकलीफ़ है, हम इसको दबा के रखते हैं, हम उभरना नहीं चाहते। बच्चों के अंदर जो संख्या है 1:5 है डिप्रेस्ड केसेस में सुसाइड की। रेप हमारे घर में होते हैं, हम आवाज़ दबाते हैं, और सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी बहुत बड़ी तादाद में ये सब होता है।
मानसिक रूप से जो महसूस हुआ जाता है वो कम्युनिकेट नहीं हो पाता है. एंड बहुत सैड बात है कि हम एज पेरेंट्स इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते, समाज सीरियसली नहीं लेता. समाज बोलता है कि इसको दबाओ, शर्म है साइकाइट्रिस्ट के पास जाने में, शर्म है अपना अपने जो विचार है इस टॉपिक पे आगे बढ़ाने में और बात करने में बहुत बड़ी शर्म महसूस होती है. साइकाइट्रिस्ट के पास जाना मतलब ओ मेंटल हो. मैंने किसी से कहा मैं साइकाइट्रिस्ट के पास जाती हूँ तो मुझे कहा ओ आप मेंटल हो. नहीं, थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें हमें टच करती हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं. सो ये भी एक रिज़ल्ट ऑफ डिस्टर्बेंस है जो मुझे लगा कि पब्लिक में आना चाहिए है. और हमें सिर्फ कैंडल के साथ बात नहीं करना चाहिए, आगे इस चीज़ को बढ़ाना चाहिए ताकि एक प्लेटफॉर्म बने एंड हमारे बच्चों को शर्म ना महसूस हो बोलने में पेरेंट्स को कि हम डिस्टर्ब्ड हैं, ताकि हम हेल्प ले सकें, ना कि सीधा जाके अपने आप को अलग अलग तरीकों में हार्म करें या अपनी लाइफ एंड करें, बिकॉज ये एपिडेमिक होता जा रहा है. थैंक यू. प्लीज़, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू एनकरेज द आर्टिस्ट सो दैट दोस जनरेशन कैन डू समथिंग फॉर द फ्यूचर. थैंक यू. माहौल तो बढ़िया है और मुझे लगता है घनश्याम जी ने अच्छा काम किया है और उसका उनको इनाम मिल जाएगा बराबर. आप किस तरह से घनश्याम जी से जुड़े? घनश्याम हमारे अच्छे दोस्त हैं और हमारे एक अग्रवाल जी फ्रेंड है, उनके अच्छे दोस्त हैं, तो हम तीनों फ्रेंड ही हो गए और आई एम उनको बेस्ट विश करता हूँ. सरगिल साहब, मेरा नाम पूनम आनंद है और मैं काफ़ी टाइम से पेंटिंग्स कर रही हूँ. मैंने काफ़ी शोज़ किए, करीब 40-45 शोज़ हो चुके हैं. मोस्टली मुंबई में ही करती हूँ लेकिन ऑल ओवर इंडिया मोस्ट सिटीज़ में कर चुकी हूँ और अब्रॉड भी मेरे शोज़ हो चुके हैं. और मेरा एक अपना पर्सनल स्टाइल है जो जो बैकग्राउंड में जो यूज़ करती हूँ बबल्स, उसके साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया है मैंने. और अभी रिसेंट के मेरे वर्क्स थोड़े एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं लेकिन मोस्टली मेरे फिगरेटिव्स होते हैं. और मैंने घनश्याम जी से स्कल्पचर सीखा था एक टाइम, बहुत साल हो गए उस बात को. तो अभी मौका मिला उनके साथ एक शो करने का तो ये बहुत ही अच्छा मौका है. काफ़ी आर्टिस्ट है यहाँ, आई थिंक 30 के अबव आर्टिस्ट है और काफ़ी अच्छे अच्छे काम है, बहुत वैरायटी है काम में. और आर्ट में एक्चुअली वैरायटी होनी चाहिए, मतलब ये एक पर्सनल क्रिएटिविटी की चीज़ है जो हर कोई अपने आप अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस कर रहा है. वो काफ़ी अच्छे वर्क्स है, अच्छा लगा ये शो करके. थैंक यू. मैं पोर्ट्रेट पेंटिंग ज़्यादा करती हूँ और पहले भी एग्जीबिशन में पार्ट लिया है, पर सर ने जो यहाँ मौका दिया है बहुत अच्छा यहाँ का एक्सपीरियंस है मेरा. और कई लोगों से मिली हूँ, काफ़ी अच्छे और बड़े बड़े लोगों से मिली हूँ, जो बहुत कुछ यहाँ सीखने के लिए मिला. एकदम बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ पर और बहुत खुश हूँ और सर को बहुत धन्यवाद करती हूँ. घनश्याम जी का बड़ी योगदान है इस शो में और बहुत मेहनती हैं ये और बहुत मेहनत करते हैं और हर आर्टिस्ट के लिए, आर्ट के लिए इनका जीवन पूरा समर्पित है. आर्टिस्टों को एक प्लेटफॉर्म देना और कम पैसे में, कम बजट में, कम उपलब्धियां होने के बावजूद भी ये खूबसूरत प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं ताकि आर्टिस्ट और आर्ट के बारे में समाज में एक मैसेज जाए. तो घनश्याम जी का बहुत अच्छा एक योगदान है इस शो के बारे में. तो हमारी तो बड़ी शुभकामना है इनके लिए कि भाई ऐसे ही ये करते रहें और आर्टिस्टों का सहयोग मिलता रहे. और सरकार की तरफ से भी हम चाहेंगे कि आर्टिस्टों के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें कि आर्टिस्ट मायूस न हो, हाँ उनका हौसला अफजाई होता रहे. तो हम यही चाहेंगे और हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना हमारे घनश्याम जी को. ये तो कल देखो, पेंटिंग एक महसूस करने की चीज़ है, कौन किसको देखकर क्या महसूस करता है और हर पेंटिंग कुछ न कुछ कहती है.
तो हर आर्टिस्टों ने अपने अपने ढंग से वैलेंटाइन डे के हिसाब से बनाया है। अब रही बात कौन कितना ऑब्जर्व कर रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं तो बड़ा आनंद ले रहा हूँ इस शो के बारे में, भाई सबने बढ़िया बढ़िया काम किया है, तो ऑल द विश यू ऑल द बेस्ट। एक्चुअली मैं प्रीति भामरे पाटिल, मैं धुलिया सिटी से बिलोंग करती हूँ। धुलिया सिटी जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पर हम लोग अभी जॉब भी कर रहे हैं वहाँ पर, तो फिर वहाँ पर मैं प्रोफेसर हूँ आर्ट कॉलेज में, लेकिन हमारे यहाँ पर आर्ट गैलरी बहुत कम है। जो जनरेशन आर्ट फाउंडेशन की तरफ से घनश्याम गुप्ता जी ने जो ये एग्जीबिशन किया है यहाँ पर, अरेंज किया है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और जैसे कि धुलिया सिटी में आर्ट गैलरी कम होने की वजह से हम लोग वहाँ पर जल्दी जल्दी एग्जीबिशन नहीं कर सकते, और जॉब की वजह से भी हम लोग बॉम्बे भी ज़्यादा नहीं आ सकते। तो फिर भी जैसे भी घनश्याम जी हम लोगों से कांटेक्ट में रहते हैं और हम लोगों के लिए वो जगह बना के देते हैं पेंटिंग्स लगाने के लिए, तो इसके लिए मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा दिलों जान से शुक्रिया अदा अर्ज करती हूँ। थैंक यू। आज का जो वैलेंटाइन डे स्पेशल एग्जीबिशन हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी आर्टिस्टों ने पार्टिसिपेट किया। मैं घनश्याम जी को बधाई देना चाहता हूँ इतने सारे आर्टिस्ट एक साथ लाने के लिए, और ऐसे ही वो आगे शो करते रहे। थैंक यू। मेरा शुरू से पेंटिंग एक बहुत अच्छा शौक और प्रोफेशन भी रहा है, और मैं सबसे पहले तो अपने गुरु का नाम लेती हूँ, पंडित श्री किरण मिश्रा जी, जिनके वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और ये घनश्याम गुप्ता जी हैं जो हमें प्लेटफॉर्म देते हैं, उसे हमें जो स्टार्टिंग वाले आर्टिस्ट है उन्हें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, और हम आगे बढ़ते हैं और हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी मिलता है, और आगे उम्मीद करूँगी कि वो हमें ऐसे ही प्लेटफॉर्म देते रहें। और मेरी ये जो ये पेंटिंग है राधा कृष्ण की, आज किसी ने लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने अप्रिशिएट किया है और मेरी पेंटिंग ये सोल्ड हो गई है। धन्यवाद। हाय, मेरा नाम भाविका मंगनानी है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं रचना संसद से पास आउट हूँ। यहाँ पे जनरेशन आर्ट फाउंडेशन ने जो एग्जीबिशन रखा है उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्यूरेशन है और काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। मेरे पेंटिंग्स यूजुअली एलिफेंट्स पे होते हैं। इट्स ऑल अबाउट स्प्रेडिंग लव एंड हैप्पीनेस, सारा प्यार और इस पे बेस्ड है, ताकि हाउ एक इंसान को अंदर से और बाहर से अच्छा प्यार से रहना चाहिए और हम्बल रहना चाहिए। और आई एम वेरी थैंकफुल टू घनश्याम सर एंड टाइम्स टुडे फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। योगेश रमेश साळी, मी औरंगाबाद महाविद्यालयातून कला शिक्षण घेतलेलं आहे। हे ऑर्गनायझेशन खूप छान केलं आहे गुप्त सरांनी, त्यांचं मी मनापूर्वक आभार मानतो। आणि माझी पेंटिंग ही देवी म्हणून आहे, माँ म्हणून मी टायटल ठेवलेलं आहे, आणि सगळ्यांची जी जननी असते तिचं मी स्वयंभूचं प्रतीक म्हणून हे पेंटिंग्स केलेलं आहे। धन्यवाद, एवढं बोलू। थँक्यू सर। माझ्या पेक्षा थोडं हटके केलेलं आहे आणि